तो इरेजर, सीजर एंड नाइफ टूल किस तरह से काम करेंगे? इसको समझने का एक आसान सा तरीका यही है कि हम यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और चलें एक आपको समझाने के लिए ये वाला टूल भी ले लेते हैं, इसका नाम है पॉलीगॉन, ठीक है। ये तीन शेप हमने ले लिए, इन तीन शेप्स को हमने बेस पे अलाइन कर लिया। अब इन तीन शेप में हमने कोई भी कलर्स वगैरह हमने ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसमें ये कलर दे दिया। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर इरेजर टूल इस पर किस तरह से काम करेगा। देखिए, इरेजर टूल लेंगे और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए, पहले इसको काम करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से, फिर इरेजर टूल लेंगे, और इरेजर टूल लेने के बाद अब आप इसको इरेज करेंगे जहाँ से भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस तरह से इरेज कर दिया, तो ये एक दो सेगमेंट में इसको कन्वर्ट कर देगा, ये दो सेगमेंट होगा इसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक किया मैंने, और इसको यहाँ से क्लिक करके इरेजर टूल को लिया मैंने यहाँ से, और अब इरेजर टूल का जो ये स्पेस है ये मैं थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मुझे इरेजर टूल के तीनों ऑप्शन मिलेंगे, एंगल जिससे मैं इसको जिस तरह चाहें किस एंगल पर रखना चाहता हूँ, राउंडनेस कितना राउंड हो, कितना थिक हो, थिन हो, स्लिम हो, किस तरह का हो, और फिर यहाँ से साइज कितना बड़ा और कितना छोटा हो, तो ये आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अगर मैं बिल्कुल बारीक करना चाह रहा हूँ और उसकी राउंडनेस को थोड़ा सा ऐसा रखना चाह रहा हूँ और ओके करूँगा। तो अब जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरह का इम्पैक्ट इस पर डालेगा, ठीक है। देखें इसको जितने हिस्सों में चाहूँ मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब ये उतने सेगमेंट बन जाएंगे और हर सेगमेंट में एक अलग अलग कलर में यहाँ से फ्लप कर सकता हूँ, और इस तरह का कोई शेप में इजीली इसमें से ड्राइव कर सकता हूँ, जो आपको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा लेकिन इसके साथ वो शेप इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका इरेजर टूल। अब इरेजर टूल के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है सीजर टूल, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। सीजर टूल कैसे काम करेगा? सीजर टूल में आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हम 2 सेकंड दबा के रखेंगे और सीजर टूल लेंगे। सीजर टूल कैसे काम कर रहा है देखिए, बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, मैं जैसे अप्लाई कर रहा हूँ ये अप्लाई नहीं हो रहा। सीजर टूल वैसे काम नहीं करेगा जैसे इरेजर टूल काम करता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इसके एंकर काउंट करें, 1, 2, 3 और 4 एंकर है, तो पहले एंकर पे क्लिक करें, ठीक है। और फिर दूसरा एंकर पे क्लिक करें, और फिर यहाँ से जाके इसको क्लिक करके ये देखिए इसने इसको 200 में इस तरह से डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात ये, ठीक है। दोबारा देखिए, अगर हम इस टूल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एंकर टू एंकर आई थिंक में काम कर रहा है ये, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली चला रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये काम करेगा एंकर टू एंकर। सीजर टूल लिया आपने यहाँ से, सीजर टूल लेके आपने इसके एक एंकर पे क्लिक किया, जमा के छोड़ दिया। फिर अब दूसरा एंकर पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद अब आपने अपना सिलेक्शन टूल लिया और इसको देखें, ठीक है। तो अब अगर इस तरह का कोई शेप आपको बनाने को मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा डार्क ब्लू कलर दे देते हैं और इसको थोड़ा सा इसके साथ हम यहाँ से ऐसे अलग कर देते हैं और इसके साथ ये लगा देते हैं, तो ये देखें कितनी आसानी से ये शेप इस पे क्रिएट हो सकता है, देख रहे हैं। वैसे अगर बनाना हो तो ये मुश्किल अमल है, तो सीजर टूल से काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे भी क्लिक किया और सीजर टूल लिया हुआ है, और आपने इसके साथ इसको यहाँ पे क्लिक करके, और सॉरी सही तरह क्लिक नहीं हुआ होगा, क्लिक करके अच्छा ये ऑलरेडी पहले यहाँ से अलग हो चुका है, शायद इसलिए इस पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि पहले पूरा पाथ था, अब यहाँ पे फिर हम इसको पूरा पाथ करना पड़ेगा। एक स्ट्रोक करके देखते हैं, पता चल जाएगा। ये मैंने स्ट्रोक लगाया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर किया, तो ये देखें ये अलग हो चुका है। तो अब मुझे पहले इसको पूरा पाथ करना होगा, वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा पेन टूल पर, और पेन टूल लेके इसके सेंकर पर क्लिक करूँगा मैं पहले, और इसके फिर सेंकर पर क्लिक करूँगा, ये पूरा एक शेप बन जाएगा। ओपन पाथ था ना, क्लोज पाथ हो गया। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे फिर सीजर टूल, तो आप काम करेगा इसके ऊपर, और ये देखें इसको अलग कर देगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्लिक करके इसको इस तरीके से एक कलर दे देते हैं, और इसको भी एक कलर दे देते हैं, ठीक है। स्ट्रोक कंप्लीट करना है अपने पास, तो वो फिर आपकी मर्जी है, यहाँ से इसका पाथ कंप्लीट कर लें इसका, ताकि शेप कंप्लीट हो जाए। और अगर इसका स्ट्रोक खत्म करना है तो यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक को खत्म कर दें, तो सबका स्ट्रोक ही खत्म करना है तो सबके स्ट्रोक को यहाँ से क्लिक करके खत्म कर दें। तो ये इस तरह का शेप देखें इजीली हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं, कौन से टूल की मदद से,
सीजर टूल की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा सीजर टूल इस तरह से काम करता है। अब आते हैं नाइफ टूल की। नाइफ टूल बिल्कुल काम करेगा इस तरीके से जैसे कि आपका इरेजर टूल काम कर रहा होता है। यहाँ से नाइफ टूल लेंगे आप, और नाइफ टूल लेके जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने ऐसे अप्लाई किया, और इस पर मैंने ऐसे अप्लाई किया, और मैंने इस पर ऐसे अप्लाई किया, तो ये उतने सेगमेंट इसके कर चुका। तो देखिए मैं इस पर कलर अलग डालता हूँ, ये देखिए ठीक है, और इस पर देखिए क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इरेजर, सीजर और नाइफ टूल इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए।